देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट शाम ढल ही रही है और हम हैं जुहू बीच पे, और जैसे जैसे शाम ढल रही है और भी खूबसूरत होता जा रहा है माहौल, एकदम जगमग जगमग सा। तो हम जब यहाँ आए थे तो जस्ट शाम ढल रही थी, पर थोड़ा सा हमने यहाँ पे टहला और उतने में ही शाम ढल गई। तो हम चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि शाम की चाय तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक बार वो हो जाए उसके बाद हम और एक्सप्लोर करेंगे जुहू बीच को, जो कि शान है मुंबई की। और यहाँ आना तो बनता है अगर मुंबई आए तो, और यहाँ ना आए तो फिर क्या मुंबई घूमे यार। वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जुहू बीच के ऊपर, पर मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हर इंसान का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, उस जगह को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। तो चलिए हम मेरे नज़रिए को देखते हैं। तो यहाँ हम गए सबसे पहले चाय पीने के लिए, और उसको हम पीने वाले थे बन मस्का के साथ में, क्योंकि हमने सुना था यहाँ का बन मस्का भी बहुत फेमस है, एकदम लाइक फ्रेश वो आता है डेली का डेली, और गर्मा गर्म आपको लाइक बन निकालते हैं और सर्व करते हैं कुछ ऐसा। तो हमने सोचा कि ये तो करना पड़ेगा लाइक और वैसे भी हम जब भी उधर से गुजरते थे, हम मतलब बहुत ही नज़दीक था हमारे होटल से, तो हम बन मस्का खाने चले जाते थे। तो आज भी स्पेशली हमने चाय के साथ में बन मस्का लिया कि हम वो खाएंगे साथ में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बन मस्का। तो ये रही वो शॉप नागौरी मिल्क एंड रेस्टोरेंट्स, जिसके यहाँ हम बन मस्का और चाय पीने आते थे। तो चाय तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी भी, हमें जैसी चाहिए थी करक वाली चाय वैसी, और बन मस्का भी बहुत टेस्टी था। तो हमने चाय पी, बन मस्का खाया, और फिर हम चाय के शॉप से निकल के मार्केट के बीच में आ गए। और जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइए वहाँ केवल यही सारी चटपटी चीज़ें खाने के लिए मिल रही है, गुपचुप, पाव भाजी, बिरयानी, तावा बिरयानी जो वहाँ की बहुत फेमस है, गोला जो कि वहाँ का बहुत फेमस है, गुपचुप जो कि वहाँ का बहुत फेमस है, हर चीज़ फेमस जो भी है वहाँ के, सारे शॉप्स लगे हुए थे वहाँ पे, और सारे में इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो फिर मैंने थोड़े से वीडियोस बनाए, और उसके बाद मैंने गोला भी ट्राई किया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बहुत सारे शॉप्स थे ना, आपकी आंखें जगमगा जाएंगी कि हम ये खाएं हम वो खाएं, और हर चीज़ इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊं। तो हमारा भी मन ना सारी चीज़ों को देख के हो रहा था कि हम ये खा लें हम वो खा लें, बट हमने जो मस्का बन खाया था पहले वो तो हम डाइजेस्ट कर लेते, तो हमने सोचा कि हम बाहर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम टहलेंगे, लहरों के साथ इंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम लाइक जब हमें जाना होगा होटल तो उस वक्त हम कुछ खा कर निकल जाएंगे। तो हम बाहर चले गए, वहाँ पार्ट को एक मास्क पसंद आया, वो जिसको ले करके वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस तरह से हमें डरा रहा था कि हम डर भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पार्ट के पापा उसको सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे डराना है करके, और वो फिर भी नहीं डरा पा रहा था। हमने बहुत ही मस्ती की, अंदर की तरफ ही नहीं केवल पर बाहर में भी छोटे छोटे ऐसे ठेले लगाए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, ब्रेसलेट्स बनाने के लिए बीड्स वगैरह मिल रहे थे, आपको जो मन चाहे वो नाम वगैरह लिखा लो ब्रेसलेट बना लो। वहाँ पे हर जगह ऐसे भुट्टा मिल रहा था जो मेरे और मेरे पापा का ऑल टाइम फेवरेट है, नारियल पानी मिल रहा था, और ऐसे बकेट सेट्स मिल रहे थे जो कि रेत में खेलते हैं हम लोग, मैंने पार्ट के लिए खरीदा था जिस दिन हम हाजी अली गए थे उस दिन, और आज मैं लेके गई थी उसको खेलने के लिए। फिर हमने पानी में भी खूब इंजॉय किया, पार्ट तो डर रहा था पानी में उतरने के लिए, तो वो गोदी पे चढ़ा हुआ था, इनफैक्ट अपने पापा के कंधे पे चढ़ा हुआ था वो, बट हमने खूब इंजॉय किया। वो जो जब पानी लहरें आती हैं और आपके पैर के नीचे से रेत भी ले जाती हैं जाते जाते ना, तो वो फीलिंग बहुत ही मज़ेदार थी। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पैरों के नीचे से रेत खिसकने वाली फीलिंग समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं अपना और सतीश का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी, और पार्ट जो जो बोल रहा था वो हम बना रहे थे, जैसे छिपकली और जॉर्ज का डायनासोर एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट हम इतने थके हुए थे कि हमारा मन कर रहा था कि बस हम ऐसे टहलें इंजॉय करें, और अब हमें भूख भी लगने लग गई थी। तो हमने सोचा कि अब हम कुछ खा लेते हैं और हम मार्केट
टारगेट के करीब भी आ गए थे, क्योंकि अब 11:30 के करीब हो रहा था और थोड़ी ही देर में ना यहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर सबको भगाने लगती है, चलो चलो अब अपने घर जाओ, बहुत लेट हो गया ये वो। तो हम अंदर गए, हमने सबसे पहले गोला खाया वहाँ पे जो मेरा उस समय मिस हो गया था। तो मैंने ये ऑरेंज वाला गोला लिया, मैंने एक बार जब मैं आई थी ना तो मैंने काला कट्ठा खाया था, तो वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस बार ऑरेंज वाला लिया जिसको मैं मज़े लेके खा रही हूँ। मैंने पार्थ को भी खिलाने की कोशिश की पर उसे उतना पसंद नहीं आया, तो ये मैंने और सतीश ने ट्राई किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और गोला ख़त्म करने के बाद हम गए धन लक्ष्मी फूड स्टॉल के ऊपर, जो कि था साउथ इंडियन फूड स्टॉल, और यहाँ पर आपकी आँखों के सामने गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना के दे रहे थे। तो मैंने और पार्थ ने खाया डोसा और सांभर चटनी। मुझे ना डोसा बहुत पसंद आता है, साउथ इंडियन में अगर कोई एक चीज़ मुझसे कोई पूछे ना कि क्या खाना है तो मैं ऑलवेज डोसा बोलती हूँ, और मेरा मसाला डोसा तो ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने वही खाया। और सतीश को ना वड़ा और इडली बड़ा पसंद है, तो उन्होंने खाया इडली वड़ा और सांभर चटनी, तो हमने ये खाया और वाकई टेस्टी था भी उनके यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ का खाना। और फिर इसके जस्ट पीछे थी एक बर्गर की शॉप जहाँ पे पार्ट ने बर्गर खाया, क्योंकि उतने अच्छे से उसने डोसा नहीं खाया था। और फिर इस शॉप के जस्ट सामने ऐसे पोटैटो का कुछ स्पाइरल काइंड ऑफ बनाकर दे रहे थे, उस पर कुछ ऐसे मेयोनीज और सॉस वगैरह लगा के, जो कि काफ़ी पसंद आ रहा था लोगों को, ऐसा अगल बगल के लोग बात कर रहे थे हाँ बहुत टेस्टी है ऐसे वैसे, तो हमें समझ में आया। पर हमारा पेट चूंकि भर चुका था तो हमने उसको ट्राई नहीं किया, और हमने जगह बचा के रखी थी मीठे के लिए, जो कि हमने सागर धनलक्ष्मी शॉप में खाया। हमने खाया कुल्फी फालूदा जो कि बहुत ही टेस्टी था, वो देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा था वो खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। चिया सीड्स वगैरह भी डाले हुए थे जो कि बहुत टेस्टी लग रहे थे। और उसके बाद हमने खाई पान, मीठा पान जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे कहीं भी दिख जाता ना मीठा पान मैं ज़रूर, अगर मेरा मन करेगा तो मैं खा लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। और हमें इधर से ही निकल जाना था बाहर की तरफ, तो हमने सोचा कि हम पान खाते हुए निकल जाते हैं बाहर। और काफ़ी रात हो गई थी अभी, 12:30 के आसपास हो रहा था, और अभी ना जैसे मैंने बताया था कि पुलिस आके हटाने लगती है, तो वैसे डंडा लेके ऐसे हरकाने लग गए थे लोगों को कि चलो चलो अब हो गया हो गया। लेकिन जब हम रोड पे आना ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसे 12:30 बज रहा है, क्योंकि इतना जगमग और इतना अच्छा क्राउड था कि लग रहा था 7-8 बज रहे हैं, इस तरह से लोग टहल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट हमें तो मॉर्निंग में काम था इसलिए अब हमें जाना ज़रूरी हो गया था, पर अच्छा हमें बहुत लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Bye.